सबसे पहले गेट का जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का रहता है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अगर ज्योमेटिक्स का देखा जाए, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन के टोटल 65 रहते हैं, अगर आप वैसे जानना चाहते हो तो जनरल एप्टीट्यूड के 10 रहते हैं और हमारे पास 55 जो रहते हैं वो जो भी हमारे पास कोर सब्जेक्ट है उसके रहते हैं, जैसे ज्योमेटिक्स का हो गया। अब हमारे पास ज्योमेटिक्स का पैटर्न अलग है बाकी सबके मुकाबले में, तो ज्योमेटिक्स का सबसे पहले क्या हम जनरल एप्टीट्यूड का देखते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपको पता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 15 मार्क्स का होता है, और जो कोर सब्जेक्ट रहता है वो हमारे पास मार्क्स कितने रहते हैं? 85 मार्क्स के रहता है, तो टोटल कितना? 100 मार्क्स का पेपर रहता है, ये आपको सबसे पहले जानना है। उसके बाद हमारे पास क्या सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड का देखते हैं। इसमें हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 1 मार्क्स के जनरली 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास और 2 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल ये 10 मार्क्स का रहता है और ये हमारे पास 5 मार्क्स का रहता है, तो टोटल कितना? 15 मार्क्स का हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड आता है आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? 10 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? टेक्निकल है। टेक्निकल मान लो हम जियोमेटिक्स की बात करते हैं। अब आपको जियोमेटिक्स में क्या है, दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, पार्ट ए और पार्ट हमारे पास बी। अब पार्ट ए तो हमारे पास कॉमन पार्ट है, आप अगर सिलेबस देखोगे जियोमेटिक्स का तो पार्ट ए हमारे पास कॉमन है, पार्ट बी हमारे पास उसमें ऑप्शन है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर। सेक्शन 1 जो है हमारे पास वो सर्विंग एंड मैपिंग है, सेक्शन 2 हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस है। अब जो कॉमन पार्ट है ये हमारे पास जनरली आता है 55 मार्क्स का, ठीक है, और इसके अंदर पार्ट बी के अंदर हमारे पास कितना आता है? 30 मार्क्स का आता है, तो टोटल कितना? 85 मार्क्स का। तो जो कोर सब्जेक्ट है हमारे पास ज्योमेटिक्स वो 85 मार्क्स का और जनरल एप्टीट्यूड हमारे पास 15 मार्क्स का रहता है। अब पार्ट ए तो कॉमन है, मीन्स ये सभी बच्चों को करना ही पड़ेगा, लेकिन पार्ट बी के अंदर भी हमारे पास सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, तो इसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये क्या है, एक बात याद रखनी है, 50-50% या ऐसा नहीं है कि 8 क्वेश्चन इसके कर लिए बचे हुए क्वेश्चन उसके कर लिए, आपको एक सेक्शन चूज करना पड़ेगा और उसी को सॉल्व करना है, उसी से मतलब कि सेक्शन 2 या सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन आप चूज नहीं कर सकते, आपको एक ही सेक्शन चूज करना है, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, ये चीज देख लिया आपने। अब इसका जो ब्रेकअप है, जैसे पार्ट ए मैंने आपको बताया कि 55 मार्क्स का रहता है, 55 मार्क्स में आप देखोगे तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 17 क्वेश्चन रहते हैं और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं वो 19 क्वेश्चन रहते हैं, और जो मार्क्स हो गए ये 17 मार्क्स का हो गया और ये हमारे पास 38 मार्क्स का हो गया, टोटल कितना? 55 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। अब पार्ट बी के अंदर जो रहता है वो भी सिंपल है कि 30 मार्क्स का आपका पेपर आता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 8 क्वेश्चन रहते हैं और जो 2 मार्क्स के रहते हैं वो 11 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 8 मार्क्स हो गए और ये हमारे पास 22, टोटल दोनों मिला के कितना? 30 मार्क्स का पेपर रहता है। तो आपको ये पैटर्न सबसे पहले ध्यान रखना है और इसी पैटर्न में मतलब कि आपको चूज भी करना पड़ता है कि सेक्शन 1 को आप सॉल्व करोगे या सेक्शन 2 को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको मोस्टली पैटर्न याद रखना है। उसके बाद क्या है, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि गेट में कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका जो देखने के लिए मिलता है एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर मोस्टली क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, और कितनी नेगेटिव मार्किंग रहती है? वो रहती है 1/3। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत भारी रहती है, बड़ी रहती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि 1/3 है तो चलो सारे तुक्के मार देते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, 3 में से 1 तो सही हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड रहती है 1/3 मार्किंग, देखने में इजी लगती है। अब एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको गेट में मिलेंगे। एमसीक्यू के अंदर हमारे पास जनरली आप सिंबल देखोगे,
एमसीक्यू के अंदर हमारे पास ये सर्कल वाले ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे, लेकिन जो एमएसक्यू एमसीक्यू क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब कि इसमें जो आंसर रहेगा आपका, जो भी ऑप्शंस मिलेंगे आंसर एक ही रहेगा हमारे पास। और जो अभी नया 2-3 साल से जुड़ा हुआ है हमारे पास एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, इसके अंदर जो ऑप्शंस के अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, चारों सही हो तो वो चीज रहती है एमएसक्यू का। इसके जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे वो रेक्टेंगुलर या हमारे पास स्क्वायर शेप का दिखेगा ऑप्शंस के आगे। उसके बाद जो है हमारे पास वो थर्ड टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एनईटी। अब आपको याद क्या रखना है, एनईटी तो सिंपल है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और उसमें, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव आपका आंसर है तो आप नेगेटिव उसमें डाल सकते हो, पॉइंट में कितने इंटीजर में डालना है पॉइंट में, वो सब आपको उस क्वेश्चन में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। एनईटी का जो आंसर मिलता है जनरली वो एक रेंज फॉर्म में मिलता है कि इतने से इतना, हो सकता है कभी कभी कि एग्जैक्ट वैल्यू भी मिलती है, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा है, किस टाइप से, मतलब कि इजी हार्ड है या फिर किसका कितना वेरी कर सकता है, वो गेट वाले जानते हैं। तो एनईटी में हमारे पास क्या है और एमएसक्यू के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग मतलब होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है पेपर में, अगर आपको आते हैं तो ठीक है अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो भी आपको करने हैं, मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आपको ये कुछ ना कुछ तुक्का मारना है, क्या पता एक दो सही हो जाए। और जो एमएसक्यू एमसीक्यू है जनरली इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, और अगर वो मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन है अगर उसका 1 मार्क्स का है तो आपका क्या है नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, मतलब कि 0.33 आपका कटेगा, 1 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा साथ के साथ 0.33 भी जाएगा। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, तो उसका 1/3 मतलब कि 2/3, 2/3 कितना, 2/3 कितना होता है 0.67 मान लीजिए, तो 0.67 आपका नेगेटिव मार्क्स रहेगा, तो 2 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा साथ के साथ 0.67 आपको नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस का 2.67 आपका मार्क्स रिड्यूस होता है। तो आपको ये पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं गेट में ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां जाके हम कोई भी सरप्राइज नहीं ले सकते हैं। तो आपको पैटर्न पता चल गया, टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो पता चल गया। उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या सिलेबस,